नमस्कार, मैं हूं विकास भदौरिया। इस वक्त एक दुख भरी खबर आ रही है। दुख भरी खबर है, विश्व विजेता टीम का हिस्सा रहे क्रिकेटर यशपाल शर्मा हमारे बीच नहीं रहे। हार्ट अटैक की वजह से यशपाल शर्मा का आज सुबह निधन हो गया। यशपाल शर्मा 1983 में विश्व विजेता टीम के हिस्सा रहे थे। आपको बता दें कि पहले ही मैच में उस वर्ल्ड कप के पहले ही मैच में उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ 89 रन ठोक के पूरा टूर्नामेंट के लिए एक टेम्पो सेट कर दिया था और सेमीफाइनल मैच में भी उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 61 रन ठोके थे, जिससे भारतीय टीम को 6 विकेट से जीत मिली थी। यशपाल शर्मा विश्व विजेता टीम के सबसे एनर्जेटिक सदस्य के रूप में पहचाने जाते थे। उनका बादाम शॉट दुनिया भर में बहुत मशहूर था। उनके साथी खिलाड़ी उनको प्यार से बादाम भी कहकर बुलाते थे। अब से कुछ दिन पहले ही 25 जून को जब 38वीं सालगिरह मनाई जा रही थी, तब यशपाल शर्मा एबीपी न्यूज़ के स्टूडियो आए थे और पूरी क्रिकेट टीम के साथ थे। और देखिए उसी वक्त की ये तस्वीरें हैं। एनर्जी, जिंदा दिली और आत्मविश्वास से भरपूर यशपाल शर्मा दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में यशपाल शर्मा ने एबीपी न्यूज़ के कार्यक्रम में 1983 के वर्ल्ड कप जीत के अनुभव को साझा किया था। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा था। मैनेजर भी, कोच भी, लड़कों को संभालना है, डिसिप्लिन की तो प्रॉब्लम ही नहीं क्योंकि इतने अनुशासित पूरी टीम थी, पर कमाल का रहता होगा अगर आजकल के जमाने में इतने सारे कोचेज हैं फिर भी इतने सारी प्रॉब्लम्स हैं। अतुल, सबको जिम्मेदारी पता था क्योंकि सबको मालूम था कि एक अहम की लड़ाई है, वो लड़नी है। और क्योंकि 1979 में जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें भी कुछ लोग उस टीम के हिस्सा थे, तीनों मैच हार गए थे, वो लड़ाई भी लड़नी थी, अपनी लड़ाई भी लड़नी थी और ऊपर से मान भाई जो हमारे मैनेजर थे तो इन्होंने पूरा साथ दिया। इन्होंने कभी क्रिकेट में इंटरफेयर नहीं किया, इन्होंने पूरा पूरा साथ दिया, हर खिलाड़ी को इनकरेज किया। और एक मैं आपकी बात को आगे बढ़ा देता हूँ, जो आपने कहा था कि कप्तान साहब को कहा था कपिल देव को कि क्या आपको डर लग रहा था कि 2011 जीत जाएंगे तो आपका जो डर नहीं पर ये था कि कहीं मैं हमारी जो वो है हमारी गहराई और बढ़ गई है। बिल्कुल, आपको शायद मालूम नहीं है क्योंकि उसके बाद 2002 से लेके 2011 तक इस टीम के अंदर ऐसे ऐसे दिग्गज बैठे हैं जो चीफ सेलेक्टर और चेन करता रह चुके और उन्होंने ऐसे ऐसे खिलाड़ियों को इनकरेज किया जो 2011 तक खेले। आप लंबी लिस्ट है, जब कपिल देव ने कप उठाया था ना तो सचिन ने कहा था कि मेरे दिल में जज्बा जागा था कि मुझे भी देश के लिए खेला है। आप बात करें मदन लाल की, वो सिलेक्टर रह चुके। आप बात करें संदीप पाटिल की, चीफ सेलेक्टर मोहिंदर अमरनाथ और किरमानी देखिए सब सिलेक्टर। देखिए गहराई की बात सुनिए, कीर्ति आजाद, श्रीकांत 2011 में जीते तो वो चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी थे, उसके साथ मैं भी था उस कमेटी में। तो ये एक कड़ी जुड़ी है, ये कोई वो गैप नहीं हुआ है। तो उसके बाद देखिए कि इन 6-7 दिग्गज खिलाड़ियों ने किन किन को चुना और वो देखिए कामयाबी 2011 मिली, तो ये कोई डर नहीं था। और ये बात हमारा योगदान था कि हमें गर्व ये महसूस हो रहा था कि देखिए हमारी मेहनत रंग लाई और 2011 में हम विश्व कप फिर जीते। तो विश्व विजेता कप और टीम को लेकर, उस विश्व विजेता टीम को लेकर 1983 कि उस विश्व कप पर फिल्म 83 बनी। इसमें यशपाल शर्मा का किरदार जतिन सरना ने निभाया था। जतिन सरना हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जतिन, बहुत बड़ा नुकसान हो गया है भारतीय क्रिकेट का और आपने वो रोल निभाया था, तो आप जतिन, आप खुद यशपाल शर्मा को बहुत करीबी से जान पाए होंगे उस रोल को निभाने के लिए। जी बिल्कुल, मैं आज भी मुझे वो दिन याद है जब मुझे इसके लिए सेलेक्ट किया गया था, तो मुझे ऐसा लगा था कि पता नहीं कौन है क्योंकि उतना मुझे अंदाजा नहीं था क्रिकेट के बारे में उस वक्त 83 की टीम के बारे में। लेकिन जब मैंने रोल पढ़ा और जब मैंने उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ा और उनके जज्बे के बारे में जाना, तो मैं उस वक्त मुझे ज्यादा उनकी उनका क्या ओहदा है, उनकी क्या पावर थी, वो मुझे तब समझ में आई। वो एक आदमी जो जज्बात और पैशन के साथ खेला अपने देश के लिए और वेस्टइंडीज जैसी टीम को फेस करने गए, पहले मैच में ही 89 स्कोर किया और मतलब मरने मारने के इरादे से जो कहते हैं ना, उस तरह के जज्बात के साथ वो क्रिकेट खेलने पहुंचे थे कि हमको जीतना ही है। तो मैं खुद जब उनसे एक दो बार मुलाकात मेरी हुई या पहली बार जब मेरी मुलाकात हुई थी तो मैं बहुत डरा हुआ था क्योंकि मुझे पता नहीं था कि क्या मैं जस्टिस कर पाऊंगा। वो लेजेंड है, जीते जागते एक आदमी है जिसको मैं जिसका रोल प्ले करना चाह रहा हूँ, तो मैं कोई भी ऐसी चीज
नहीं करना चाहता था, जो जो लगे कि ये कच्चापन रह गया इस एक्टर के रोल में वो यशपाल को निभाने में, तो मैंने काफी उनसे बातें करी, काफी मेरी मुलाकात उनसे 2-3 बार रही और मैंने बहुत गहराई में चीजों को जानने की कोशिश करी और जो चीज मुझे नजर आई वो वही था कि एक देश के लिए प्रेम, अपने खेल के लिए प्रेम वो इतना ज्यादा था उनमें। और जी। मतलब मैं तो इतने मतलब शॉक में हूँ कि मुझे सुबह जब ये खबर मिली तो मैं आई कैन नॉट बिलीव कि ऐसा हो गया है, तो बहुत ज्यादा दुख है मुझे। बिल्कुल जतिन, तो पूरा देश ही इस खबर से सदमे में है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो भारतीय क्रिकेट का यश चला गया, उनके टीम के साथी 1983 विश्व विजेता टीम के साथी उनको इसी नाम से पुकारते थे। पूर्व क्रिकेटर यशपाल शर्मा, आज सुबह उनका दिल्ली में निधन हो गया, हृदय गति रुकने से उनका निधन हुआ, दिल का दौरा पड़ने से 66 साल की उम्र में यशपाल शर्मा का निधन हो गया। 1983 विश्व विजेता टीम के वे हिस्सा रहे। यशपाल शर्मा टीम इंडिया के चयनकर्ता भी रह चुके थे। इसके अलावा यशपाल शर्मा ने करियर में 37 टेस्ट खेले, 42 वनडे मैच भी उन्होंने खेले। उनका जो स्ट्राइक रेट था वो भी शानदार रहा। देखिए, हम आपको वर्ल्ड कप के मैच का डिटेल बता रहे हैं। कुल 8 मैच खेले, 240 रन बनाए जिसमें से 2 हाफ सेंचुरी भी शामिल हैं। तो यशपाल शर्मा का रिकॉर्ड इतना शानदार था। पहले मैच में उन्होंने वेस्टइंडीज़ के खिलाफ 89 रन मार के टेम्पो सेट कर दिया। वनडे करियर उनका 42 मैच खेले, 883 रन बनाए जिसमें 4 हाफ सेंचुरी शामिल है। विश्व कप के 1983 के टूर्नामेंट में पहले मैच में उन्होंने 89 रन मार के वेस्टइंडीज को हराने मदद की, भारत चौथे सेंचुरी जीता। और इसके अलावा टेस्ट मैच का हम आपको डिटेल बता रहे हैं, 2 सेंचुरी, 9 हाफ सेंचुरी, 1606 रन, 37 मैच। लेकिन यशपाल शर्मा पहली बार दुनिया की नज़र में तब आए जब उन्होंने अपने पंजाब के स्कूल की टीम से खेलते हुए 260 रन मारे और जम्मू कश्मीर के खिलाफ खेलते हुए उन्होंने ये 260 रन मारे थे, तब पहली बार वे दुनिया की नज़र में आए। और उसके बाद फिर पीछे मुड़के यशपाल शर्मा ने नहीं देखा, विश्व विजेता क्रिकेट टीम का हिस्सा रहे। विश्व विजेता क्रिकेट मैच में भी उन्होंने सेमीफाइनल में उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 61 रन मारे जिसकी वजह से भारत 6 विकेट से वो मैच जीता। और उसके बाद फाइनल में तो आपको सबको पता ही है कि भारतीय क्रिकेट टीम ने कमाल कर दिया। हमारे साथ जीएस विवेक और कुंतल चक्रवर्ती जुड़े हुए हैं। जीएस विवेक का रुख कर लेते हैं। जीएस, आप के साथ बहुत अच्छी और बेहतरीन पल हैं जो आपने यशपाल शर्मा के साथ बिताए हैं, पुरानी यादें जो आप हमारे साथ साझा कर रहे थे। जी हाँ, बिल्कुल विकास, मेरा काफ़ी लंबा एसोसिएशन रहा है यशपाल जी के साथ, जब वो क्रिकेट के जब वो सेलेक्टर थे। और मैं आपको ये बता दूं कि हम जितना मर्ज़ी यशपाल जी को 1983 के वर्ल्ड कप विनिंग स्क्वाड का हिस्सा मान के हम उनको सेलिब्रेट करते हैं, मैं आपको ये कह सकता हूँ कि उससे ज़्यादा उन्हें गर्व इस बात का होता था कि बतौर सेलेक्टर उन्होंने 2011 विश्व कप भी टीम इंडिया को जिताया। महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में जो टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था उसमें यशपाल जी भी एक सेलेक्टर थे और काफ़ी डिसाइसिव रोल उन्होंने ऐसे सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा होते हुए भी उन्होंने वो तय किया था। और मुझे वो हमेशा कहते थे कि आप कहते हैं ना कि खिलाड़ी 2 वर्ल्ड कप जीत सकता है कोई बात नहीं, लेकिन मैंने भी 2 वर्ल्ड कप जिताया है टीम इंडिया को, एक ऐसा प्लेयर और एक ऐसा सेलेक्टर, क्योंकि मेरी भूमिका भी काफ़ी अच्छी थी। और बहुत ज़िंदा दिल इंसान थे यशपाल जी, खाने का उनको बहुत ज़्यादा शौक था और हमेशा हंसमुख रहते थे, जोक्स मारते थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत अलग अलग तरीके से उन्होंने निभाए हैं। दिल्ली में उनका रोल रहा है, दिल्ली क्रिकेट में, पंजाब क्रिकेट में उनका रोल रहा है, हरियाणा में उनका रहा है, रेलवे रोक रहा हूं बीच में। हमारे साथ बलविंदर सिंह संधू जुड़ गए हैं, भारतीय विश्व विजेता टीम के हिस्सा रहे, यशपाल शर्मा के साथ उन्होंने मैच खेला। बलविंदर जी, बहुत बड़ा जो सदमा है वो देश को लग गया है इस यशपाल शर्मा के जाने के साथ, आप तो एक साथ उस टीम में खेले। जी ना, आज हमारे परिवार का या 83 की टीम के परिवार का एक परिवार का सदस्य चले गया, इससे दुखद समाचार कोई नहीं हो सकता मेरे लिए। तो आई एम सो शॉक्ड, कैसे हो गया। हेलो जी। हेलो जी बलविंदर जी, आपको आवाज मिल रही है। हम वो जब 25 तारीख मिले थे तो वो मेरे सेहत के बारे में बोल रहा था कि अपना सेहत का ख्याल रखो, अपना ना वेट थोड़ा रिड्यूस करो, मेरी यू वाज मोर वरीड अबाउट माय हेल्थ। और आज मुझे ऐसा खबर मिली कि ये ऐसी खबर मिली, इतनी खराब खबर है। इतना मेरा रूम पार्टनर था वर्ल्ड कप में, हम इतनी यादें हमारे साथ में हैं,
सो शॉकिंग, वेरी वेरी शॉकिंग. मुझे और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा इस वक्त. आई एम रियली इन स्टेट ऑफ शॉक. जी, तो बलविंदर सिंह संधू जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज़ से बात करने के लिए. यशपाल शर्मा की मौत पर पूरा देश सदमे में है. 1983 की विश्व विजेता टीम का हिस्सा रहे, पहला सदस्य उस टीम का अब हमारे बीच नहीं है. अपनी एनर्जी के लिए, अपनी ऊर्जा के लिए, अपने जिंदा दिली के लिए और अपने क्रिकेट के लिए जाने जाने वाले यशपाल अब हमारा साथ छोड़कर चले गए हैं. तो भारतीय क्रिकेट टीम का यश चला गया, भारतीय क्रिकेट का यश चला गया. हमारे साथ 1983 के विश्व विजेता क्रिकेट टीम का हिस्सा रहे यशपाल शर्मा अब नहीं रहे. उनका आज सुबह हृदय गति रुकने से निधन हो गया. यशपाल शर्मा 66 वर्ष की उम्र के थे. उनका जन्म पंजाब के लुधियाना में हुआ. पहली बार 1972 में वो दुनिया की नज़रों में आए जब उन्होंने अपने पंजाब के स्कूल की टीम से खेलते हुए 260 रन मारे. इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और 1983 की विश्व विजेता टीम के हिस्सा रहे. इस टूर्नामेंट में उन्होंने पहले ही मैच में वेस्टइंडीज के खिलाफ 89 रन मारे और टेम्पो सेट कर दिया भारतीय टीम के विश्व विजेता बनने का. इसके बाद सेमीफाइनल के मैच में उन्होंने 61 रन मारे और भारतीय क्रिकेट टीम 6 विकेट जीतकर फाइनल में पहुंच गई. फाइनल से जो जीत की सिलसिला शुरू हुआ तो भारत और क्रिकेट एक दूसरे का हिस्सा बन गए और उसमें यशपाल शर्मा का बड़ा रोल रहा. कुंतल चक्रवर्ती हमारे साथ इस खबर पर बने हुए हैं. कुंतल, यशपाल शर्मा नहीं रहे, हमने देखा कि भारतीय क्रिकेट टीम के 1983 के जितने सदस्य थे सभी बहुत ज़्यादा इस खबर से दुखी हैं. सबको लग रहा है कि उनका जो एक सदस्य था, उस पूरी टीम के जो एक सदस्य थे, उनमें से सबके जैसे जान ही खींच ली. बिल्कुल, एक परिवार की तरह है ये टीम और इसीलिए शायद सभी इतने दुखी हैं. दो अर्धशतक की बात करें 1983 वर्ल्ड कप की, तो आज के ज़माने के क्रिकेट से अगर इसको कंपेयर किया जाए तो शायद वो दो अर्धशतक शतक से भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि तब क्रिकेट की क्वेश्चन अलग था, विनिंग स्कोर अलग था और तब ऐसा होता था कि एक 225-230 रनों के स्कोर बहुत ज़्यादा माना जाता था, पिचेज अलग होते थे. तो इसी वजह से आप मान लीजिए कि आज के ज़माने के क्रिकेट से अगर वो कंपेयर किया जाए तो ये एक दो शतक से भी ज्यादा है. और मुझे एक घटना का याद आ रहा है, 2011 वर्ल्ड कप में बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल डिसीजन हुई थी कि रोहित शर्मा को ड्रॉप कर दिया गया था टीम से. सबको लगा क्यों इतने बड़े खिलाड़ी को ड्रॉप कर दिया गया है. तभी रोहित शर्मा वॉज अ यंगस्टर, बहुत अच्छा कर रहे थे भारतीय क्रिकेट में. तो जब भारतीय टीम वर्ल्ड कप जीती उससे पहले यशपाल शर्मा से मैंने बात किया था तो उन्होंने मुझे कहा था कि ये जो टीम है इस टीम के स्कीम ऑफ थिंग्स में वो फिट नहीं कर रहे थे, लेकिन आगे जाकर शायद दुनिया के सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में से बन सकते हैं रोहित. तो आज वही जो घटना है आज सच साबित हुआ है, क्योंकि दुनिया का हर वो रिकॉर्ड रोहित शर्मा के नाम है, सबसे ज़्यादा रनों का रिकॉर्ड, और जिस तरह की बल्लेबाजी उन्हें अगले 10 सालों में भारतीय क्रिकेट के लिए किया, ये दर्शाता है कि खिलाड़ी को वो पहचानते थे एक सिलेक्टर के रूप में. तो जितने बड़े क्रिकेटर उतने ही बड़े सिलेक्टर भी. एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे.